प्यारे बंधुओं नमस्कार, मैं हूं पीके वैद्य। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल वैद्य जी का इलाज। आज मैं आपको एक्जिमा, सोरायसिस और दाद की बीमारी, जिन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, काफ़ी दिनों से नहीं ठीक हो रहा है, बहुत सी आयुर्वेदिक एलोपैथिक औषधियों को उपयोग करके परेशान हो गए हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान लेके आया हूँ। तो आपको कैसे इसको प्रयोग करना है, क्या है ये औषधि और किन लोगों को नहीं यूज करना है, ये सारी बातें आपको दी जाएंगी इस वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वैद्य जी का इलाज यूट्यूब चैनल। दांत की जो समस्या है, एक्जिमा की समस्या है, सोरायसिस की समस्या है, 90 में 100 में से 80% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। क्या है कारण, ये बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है, आइए इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मेन और मुख्य कारण इसका है हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स का होना और हमारे वातावरण में गंदगी, पॉल्यूशन जो होता है, इसके वजह से तमाम प्रकार के स्किन डिजीज हो जाते हैं। और जो हम खाद्य पदार्थ यूज करते हैं अपने भोजन के रूप में, इससे भी तमाम प्रकार की समस्याएं आए दिन देखने को मिलती हैं। जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जाते हैं और वो हमारे ब्लड के साथ मिलके हमारे ब्लड में इम्प्योरिटी पैदा कर देते हैं, उसको दूषित कर देते हैं। इन कई सारे कारणों से हमारे ब्लड दूषित होने की वजह से ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है और यही इन्फेक्शन अंत में आपके चर्म रोगों में कन्वर्ट होके आपकी त्वचा में विकार पैदा कर देता है। और होता क्या है, जैसे आप ज़्यादा एसी में रहते हैं या आप आए दिन बहुत चुस्त दुरुस्त कपड़े पहनते हैं, जींस की पैंट पहनते हैं या और तमाम प्रकार के जो इस समय कपड़ों का प्रचलन है, बहुत चुस्त कपड़े पहनने का जो प्रथा चली हुई है, ये तमाम सारे कारण हैं आपके चर्म रोगों को बढ़ावा देने के लिए। खास करके शहरों में रहने वाले लोग, जो शहर में रहते हैं, उनको ये बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। आए दिन लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं वैद्य जी बताइए कि मेरी ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, मैं इतने दिनों से परेशान हूँ। कोई कहता है 5 साल से परेशान हूँ, कोई कहता है 6 महीने से परेशान हूँ, कोई 10 साल से परेशान है। और एलोपैथिक दवा प्रयोग करके, आयुर्वेदिक दवा प्रयोग करके और सारी दवाइयाँ प्रयोग करके, यूनानी दवाइयाँ सारी प्रयोग करते हैं, लेकिन सही ढंग से नहीं प्रयोग करते हैं और एहतियात नहीं बरतते हैं, परहेज नहीं करते हैं, ये कारण है। इसलिए दवाइयाँ काम नहीं करती हैं और तमाम प्रकार की दवाइयाँ आज रेजिस्टेंस कर गई हैं, एलोपैथ की दवाइयाँ, इससे दाद और जिद्दी हो जाता है। तमाम जो प्रयोग करने के बाद आपको कुछ समय के लिए तो फ़ायदा दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि पुनः आपके जगह, जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ था, उस जगह पे दोबारा इन्फेक्शन हो गया है। तो इन तमाम सारे कारणों का जो निचोड़ निकाल के एक कंपनी है इल्डर फार्मा के नाम से, ये देख रहे हैं इल्डर फार्मा की कंपनी है और लूली लिंडर के नाम से एक ट्यूब बनाई है, एक आपके प्रयोग के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए। जिन लोगों को इन्फेक्शन है दाद की, काफ़ी दिनों से नहीं ठीक हो रहा है, उनके लिए ये बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाली औषधि है। तो इसे आप कैसे, मेडिसिन है, इसे आपको कैसे प्रयोग करना है, मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ कि इसको आपको कैसे प्रयोग करके और आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा। ये देख लीजिए, इस तरह के बॉक्स में ये आती है दवा, ट्यूब आती है और ये इल्डर फार्मा का है, इल्डर फार्मा का जो है ये मेडिसिन है। और इस मेडिसिन को आप ध्यान से देख लीजिए, ल्यूकोकोनाजोल क्रीम है, 1% डब्लू इसका 1% ये है बनाया गया, ये ट्यूब है और ये 10 ग्राम की ट्यूब 95 रुपीज़, 195 रुपीज़, 195 रुपये की ये ट्यूब आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर से
जो बड़े केमिस्ट की बड़े मेडिकल स्टोर हैं वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इसे आपको सुबह और शाम दो बार कैसे प्रयोग करना है, सुबह और शाम, सुबह शाम जिस स्थान पे आपको ये समस्या है, त्वचा में विकार है, त्वचा आपकी इन्फेक्टेड हो गई है, उस स्थान पे आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने से पहले आपको उस त्वचा को साफ कर लेना है। आपको साफ करने के लिए डिटॉल का प्रयोग कर सकते हैं या एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। और आप बहुत अच्छा होगा अगर आप नीम की पत्तियों को उबाल के उसका जो पानी होगा, जल होगा, उस पानी से अगर आप वॉश करते हैं तो सर्दियाँ आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जब उसको वॉश करने के बाद जब ये आप सूख जाए, उस स्थान को तौलिए से आप साफ करके पोंछ लें, और उसके बाद हल्के हाथों से आपको उस पर मसाज करना है, लगाना है। मान लीजिए साथ में हमारे दिक्कत है तो आपको धीरे धीरे करके इस ट्यूब को आपको अपने इन्फेक्टेड स्थान पे, इन्फेक्टेड जगह पे इसको अप्लाई करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपकी एक्जिमा की समस्या, दाद की समस्या जो बहुत विकराल रूप ले ली है ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आप अपने खाने में परहेज करेंगे। क्या परहेज करना है, परहेज के दौरान आपको जब भी आप दवा ले रहे हों, चाहे आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, परहेज बहुत ज़रूरी है। तो परहेज में आप ये करेंगे कि परहेज के दौरान आपको देखना, ये है मेन मुद्दा, ये होता है कि आप चाय ना पिए, चाय कम पिए, या चाय ना पिए तो बहुत अच्छा है। चाय के स्थान पे आप नीम, नीम का प्रयोग कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को उबाल के, तुलसी की पत्तियों को उबाल के, और उसमें अगर आपको मिल जाए तो दो तीन पत्तियां हरसिंगार की डाल के अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो आपका ये नुस्खा आपकी त्वचा में रोशनी पैदा कर देगा। और त्वचा में जो वायरल वायरस और बैक्टीरिया आ गए हैं जो इन्फेक्टेड कर रहे हैं आपकी त्वचा को, वो धीरे धीरे करके हमारे ब्लड में पहुँचेगा, और ब्लड से आपकी त्वचा में ये पहुँच के हमारी औषधियाँ आपकी त्वचा में जो इन्फेक्शन हुआ है उसे ठीक करेंगी। और ज़्यादा दिक्कत है तो इस ट्यूब को अप्लाई करके आप इसका प्रयोग करें। और मैं दावा करता हूँ कि आपकी ये बीमारी मात्र एक माह के अंदर ठीक हो जाएगी। लेकिन आप तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें और खटाई का प्रयोग कदापि न करें अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं। अगर आपका ब्लड दूषित है तो आयुर्वेद की एक औषधि है खादिरारिष्ट के नाम से, डाबर कंपनी के द्वारा बनाया गया, तमाम प्रकार की औषधियां बनाने वाली आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं, उसे भी आप प्रयोग करके आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रयोग करें ये सारी औषधियाँ और ठीक रहें, त्वचा को अपने विकार के मुक्ति करें, और आपके आने वाले समय में आपका त्वचा में विकार जो हुआ है वो ठीक हो जाएगा। पानी ज़्यादा पिएं और जो कपड़े आप पहनते हैं उसे डेली वॉश करें, साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दें, तौलिए से जिससे आप कपड़ा बदलते हैं उस तौलिए को आप डेटॉल में ज़रूर डाल के वॉश करके ही प्रयोग करें। और ज़्यादातर कोशिश करें कि आप जो है पसीना होने के बाद उस कपड़े को बदल लें, दो बार स्नान करें सुबह और शाम, तो आपका ये बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करें और अपने त्वचा के विकार को ठीक करें। नीम की कपोले जो होती हैं उसे अगर आप सुबह बासी मुंह खाते हैं तोड़ के, तो आपके ब्लड को प्यूरीफाई करने का मात्र एक आयुर्वेदिक औषधि है नीम की कपोले। इसे आप प्रयोग करके आप अपने त्वचा के विकार को ठीक कर सकते हैं, और आपकी त्वचा में जो विकार है, इन्फेक्शन है, वो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय सियाराम।